नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एक और बड़ी खबर में। दरअसल 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसी के पड़ोसी राहुल नेताब ने उसके साथ गलत काम किया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की है, जहां पर 10वीं की छात्रा जो कि घर में अकेली थी, उसके पड़ोसी राहुल नेताब वहाँ पर आता है और पहले उसे बातचीत में उलझाता है और उसके बाद उसे पकड़ लेता है। पीड़िता काफ़ी चिल्लाती है लेकिन वो ज़्यादा शोर मचाए उससे पूर्व भी उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। कपड़ा ठूसने के बाद उसके मुंह को ढक देता है और उसके साथ फिर ज़बरदस्ती ही गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद वो चलते चलते उसको एक बार धमकी देकर जाता है कि यदि इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी कहा तो वो उसे जान से ख़त्म कर देगा। घटना को अंजाम देकर आरोपी तो फरार हो जाता है, लेकिन जब इधर पीड़िता के माता पिता घर लौटते हैं तो वो अपने माँ बाप को पूरी जानकारी देती है। इसके बाद पीड़िता का पिता उसे धनवंतरी सिटी कोतवाली में ले जाकर FIR दर्ज करा देता है। हालांकि ये घटना थाना क्षेत्र सिहावा की है, इसलिए जो कोतवाली धमतरी सिटी है उसको थाने को इस मामले को ट्रांसफ़र कर देती है। पुलिस आरोपी के खिलाफ कई मामलों में FIR दर्ज करती है और इसके बाद आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। देते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ। आपका इस खबर के